आज हम बनाएंगे मक्के की रोटी। सर्दियों में सरसों का साग और मक्के की रोटी। मक्के की रोटी खाने का कुछ अलग ही मजा है। ये हम बनाने जा रहे हैं 2 व्यक्तियों के लिए। उसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मक्की का आटा, 1/2 टीस्पून नमक, 1 कटोरी मेथी के पत्ते, ताजी मेथी के पत्ते। मेथी डालने से अच्छा फ्लेवर आता है, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते। गूंदने के लिए गर्म पानी, इससे गर्म पानी से गूंदने से आटा मुलायम हो जाता है, इसलिए हमें गर्म पानी से गूंदना चाहिए। रोटी सेकने के लिए देसी घी। आटा गूंदने के लिए एक बड़ा बर्तन लें, उसमें आटा डालें, फिर इसमें हम मेथी डालेंगे, फिर इसमें हम नमक डालेंगे। नमक को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक, मेथी और आटे को इस तरीके से, फिर इसमें गर्म पानी से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदेंगे। इस आटे को हमने टाइट गूंदना है, थोड़ा थोड़ा टाइट पानी डाल के ही गूंदना हमने इसको। और ये देखिए टाइट हो गया है। इसको हम इसको इस तरीके से हम जितना करेंगे उतना ही हमारा पराठा रोटी अच्छा बनेगा। ये हमने इस तरीके से आटा गूंद लिया है। इसको अब हम 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, जिससे कि हमारी रोटी मुलायम और क्रिस्पी बने। मक्की की रोटी बनाने के लिए एक तवा लें, उसको गैस पे रख के गरम करें। गैस ऑन करके ये आटा हमने 5 मिनट बाद खोला है, तो इसको हम थोड़ा सा हाथ में आटा पानी लेके इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे। फिर ये हमारा आटा तैयार हो गया रोटी बनाने के लिए। रोटी के लिए हम इतनी आटा लेंगे, इसको रोल करेंगे। साथ में हम सूखा आटा भी लेंगे। सूखे आटे को ऐसे बिछाएंगे चकले पे, चकले पे ऐसे बिछा के इसको धीरे धीरे हम बनाएंगे रोटी की शेप में। रोल करें इसको। बेलन से हम इसको इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉफ्ट होता है आटा और टूट जाती है रोटी, इसीलिए हम इसको हाथ से करेंगे धीरे धीरे। ये मक्के की रोटी तैयार है। इसको हम अब गर्म तवे पे डालेंगे इस तरीके से उठा के। इसको मीडियम आंच पर सेकेंगे, तेज आंच पर अगर हम सेकेंगे तो ये जल जाएगा। एक साइड हमारी सिक गई है, हम दूसरी साइड इसको इस तरीके से पलटेंगे। 2 मिनट में ये दोनों साइड से सिक जाएगा। अब इसमें हम घी लगाएंगे। इस साइड हमने घी लगा दिया, अब इसको हम दूसरी साइड से पलट के घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद ब्राउन होने तक इसको सेकें। ये मक्के की रोटी हमारी तैयार है, अब इसको हम गैस बंद करके उतार लें। ये मक्के की रोटी हमारी तैयार है। इसको मक्खन के साथ और गुड़ के और सरसों के साग के साथ में खाने का गरम गरम एंजॉय करें। अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में।